मात्र 3 मिनट का समय निर्धारित था अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमने समय अवधि थोड़ा लिया था और अपनी बातें रखी कि इसको हड़बड़ी में करना उचित नहीं होगा और जो मसौदा तैयार हुआ है, जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दर्शाई गई हैं उन सब को अंकित किया गया और इस मसौदे में मुझे लगता है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों के लिए दिक्कत होगी और साथ में जो देश की सामाजिक व्यवस्था है जहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा जिनकी संख्या लगभग 70 से 80% है, उन लोगों के लिए भी चिंतन करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र के निजीकरण को लेकर मौजूदा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी संदर्भ में 2010-11 में भी शिक्षा नीति के निजीकरण पर बात चर्चा हो रही थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध भी किया था, ये भी हमने उनको अवगत कराया, हमारा भी उस समय विरोध था। ये विरोध राजनीतिक कारणों से ही नहीं होना चाहिए बल्कि जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। आज इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज धन संग्रह के सबसे अधिक व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार नाम मात्र का धन संग्रह करने की शक्तियां प्राप्त राज्य सरकारों को है। ऐसे में वित्तीय व्यवस्थाएं कैसी होगी, मौजूदा प्रस्ताव, मौजूदा दस्तावेज में हमें देखने को नहीं मिला। आज देश के 50% से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं और निजीकरण को लेकर जब केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है तो मौजूदा सरकारी व्यवस्था जो चल रही है इस विषय पर भी चिंतन होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमने मौजूदा तैयार हुई नई शिक्षा नीति 2020 के लिए, क्योंकि इसका प्रभाव दूरगामी होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर छूट जाए तो भारी नुकसान होने की संभावना है। इस तरीके से सभी बातें हमने रख दी हैं और जरूरत पड़ेगा हम लोग लिखित रूप से भी केंद्र सरकार को अपनी चिंता से अवगत करेंगे। हमने बताया क्या इस पर, इस मसौदे में, इस दस्तावेज में झारखंड के
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे निजीकरण के क्षेत्र में लोग आएंगे, सरहंडा के जंगल में कौन यूनिवर्सिटी खोलेगा, बंगाल के जंगल महल में कौन खोलेगा, उड़ीसा के काले हंडी में कौन खोलेगा, बस्तर में कौन खोलेगा, दंतेवाड़ा में कौन खोलेगा, ये विशुद्ध रूप से उन्हीं जगहों पर लोग स्थापित होंगे जहां लोगों का घनत्व अधिक होगा, जनसंख्याएं अधिक होंगी, सुविधाएं होंगी, महानगरों में ये खुलेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का जो आरक्षण है उस संदर्भ में भी इस ये में दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है। और साथ में शिक्षा का बिल्कुल पैरेलली साथ साथ चलने वाला एक विषय है, वो रोजगार। उस रोजगार का भी कोई जिक्र मौजूदा दस्तावेज में नहीं है। अगर किसी शिक्षा से रोजगार का मार्ग प्रशस्त नहीं होता हो तो उस शिक्षण को कैसे ग्रहण करेंगे छात्र। इस राज्य में या देश गरीब गरुआ किसान मजदूर आदिवासी दलित पढ़ाई से अधिक अपनी पेट की चिंता भी इनको होती है। और आज के दिन में जिस तरीके से बहुत हिम्मत जुटा करके शिक्षा की क्षेत्र की सीढ़ियों पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं निजीकरण करने से, उनकी इस हिम्मत या वो सीढ़ी छीनने के बराबर जाता होगा। इसलिए कुल मिलाकर के हमने अपनी आशंकाएं जता दी हैं और आगे सरकार के जो इम्प्लीमेंट करने की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। देखिए, इस विषय का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर राज्य सरकार होती है। यह सारा चीजों को धरातल पे उतारना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होगी। और अगर इस विषय पर सही चर्चा नहीं हुआ या सही तरीके से बातें नहीं रखी गई, राज्य सरकारों का और जो संघीय व्यवस्था का जो पिलर है उसको नज़रअंदाज किया गया, तो निश्चित रूप से चीज़ें जिस तरीके से प्रयोग के समय तो सही परिणाम दिखता है लेकिन उसको रिप्लिकेट करते हैं तो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।